नमस्कार दोस्तों, चंद्रमा के आगे पीछे जब कोई ग्रह न हो तब केमद्रुप योग बनता है। केमद्रुप योग के होने से व्यक्ति को अपने जीवन में उतार चढ़ाव देखना पड़ता है, पैसे की तंगी देखनी पड़ती है। व्यक्ति चाहे बड़ा से बड़ा करोड़पति क्यों ना हो, कभी कभी उसकी जेब में पैसा नहीं रहता है। वैसे जातक पारिजात करके जो ज्योतिष का ग्रंथ है उसमें लिखा हुआ है, योग के मद्रुके प्राप्ते यस्मिन कस्मिश्च जात के राजयोगा विनश्यन्ति हरि दृष्ट्वा यथा द्वीपाः। अर्थात व्यक्ति की पत्रिका में चाहे जितना भी अच्छा राजयोग क्यों ना हो, चाहे जितना भी अच्छा धन योग क्यों ना हो, लेकिन यदि केमद्रुप योग हो तो उसे राजयोग का फल भी पूरा पूरा नहीं मिल पाता है, धन योग का फल भी पूरा पूरा नहीं मिल पाता है, और उसे धनाभाव की अनुभूति कभी कभी करते रहनी पड़ जाती है। मेरे दोस्तों, ये ऐसा शास्त्रों में लिखा है, लेकिन व्यवहार में जब हम व्यवहार की बात करते हैं तो आपको यह मिलेगा कि आपको ऐसे लोग भी मिलेंगे मार्केट में, समाज में, जिनकी पत्रिका में के मद्रुप योग बना हुआ है, लेकिन वो जब देखो तब कार में ही चलते हैं। उनके कपड़ों में चमक आपको हमेशा मिलेगी, उनके जूतों में चमक आपको हमेशा मिलेगी। इसे मुझे ये लगता है कि समाज में ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने आर्थिक दृष्टि से अपने आप को इतना अधिक मजबूत कर लिया है कि केमद्रुप योग उनके ऊपर जितना अच्छा प्रभाव दिखाना चाहिए या उनको आर्थिक दृष्टि से जितना कमजोर करना चाहिए, केमद्रुप योग कमजोर नहीं कर पाता है। उनको जितनी आर्थिक कष्ट की अनुभूति होनी चाहिए नहीं हो पाती है। और जो निचले तबके के लोग हैं वो तो आर्थिक कष्ट में जीते ही रहते हैं, लेकिन यदि केमद्रुप योग हुआ तो उन्हें और अधिक बुरा समय देखना पड़ जाता है। वैसे मेरे दोस्तों, व्यक्ति भौतिक दृष्टि से चाहे जितना ही संपन्न क्यों ना हो, उसे मानसिक कष्ट बना रहता है, धन को लेकर उसे टेंशन बना रहता है। विशेष करके जो केमद्रुप योग है ऐसे तीन लोगों को अधिक कष्ट देता है, जिनका कोई काम बिना कर्ज लिए नहीं होता, दूसरा जिनको शराब का व्यसन बराबर बना रहता है, और तीसरा जो रोज जुआ सट्टा खेलते रहते हैं। ऐसे ये तीन लोग ऐसे हैं जिनको केमद्रुप योग से तकलीफ ज्यादा रहती है। लेकिन व्यक्ति यदि अपनी आदत को सुधार ले, अपनी बुराइयों पर थोड़ा सा भी अंकुश लगा ले, अपने को थोड़ा सा भी अच्छा सा मैनेज कर ले, तो केमद्रुप योग की जो तीव्रता है उसमें कमी आ जाती है। अब भाई हम समझते हैं कि केमद्रुप योग का जन्म कुंडली में अलग अलग खानों में अलग अलग भाव में उसका क्या फल होता है। आप देखिएगा, ये जो मैंने जन्म कुंडली बनाई है, जन्म कुंडली मैंने ग्रहों को नहीं बैठाला है, उसमें मैंने राशि को भी नहीं दर्शाया है, मैंने सिर्फ खाने बना लिए हैं और मैंने लिख दिया है पहला खाना, दूसरा खाना, तीसरा खाना, चौथा खाना। ऐसा मैंने इसलिए किया है मेरे दोस्तों ताकि मैं आपको जो बताना चाहता हूँ उसे बहुत अच्छे ढंग से बता सकूँ, मैं आपको बहुत अच्छे ढंग से समझा सकूँ। फर्ज करिए कि आपके घर पर आपकी अपनी जन्म कुंडली है, उसे आप निकाल लीजिए और देख लीजिए कि आपकी ये जो कुंडली है उसमें किस खाने में कहां पर चंद्रमा है, और उस फिर उसके बाद जो मैं बोलने जा रहा हूं, जो बताने जा रहा हूं, तो उसे आप अपने आप को मैच कर सकते हैं। फर्ज करिए कि आपकी आपके घर पर जो पत्रिका है उस पत्रिका में ये जो पहला खाना है वहां पे चंद्रमा है और आजू बाजू कोई ग्रह नहीं है,
तो इससे हम कहेंगे कि आपकी कुंडली में प्रथम भाव को लेकर, पहले खाने को लेकर के मधुर योग बना हुआ है। जिनकी कुंडली में जहां पहला खाना लिखा है वहां यदि चंद्रमा हो तो ऐसे लोगों को मानसिक स्थिरता बहुत अधिक होती है, वो याद किया हुआ बहुत जल्दी भूल जाते हैं। ऐसे लोगों को अपने जन्म स्थान में जितना अच्छी उन्नति मिलनी चाहिए नहीं मिल पाती है। ये जो दूसरा खाना है जहां मैंने दूसरा लिखा है, इस दूसरे खाने में यदि चंद्रमा हो और आजू बाजू यदि कोई ग्रह न हो तो व्यक्ति को अपने परिवार से जैसा अधिक अच्छा सहयोग सपोर्ट मिलना चाहिए नहीं मिल पाता है। कभी कभी गाहे बगाहे कर्ज की स्थिति से भी गुजारना पड़ता है। ये तीसरा भाव, तीसरे घर तीसरा भाव भाइयों का है, भाई बहन का है। तीसरा घर साहस का है, तीसरा घर फील्ड वर्क में काम करने का है। तीसरे घर में यदि चंद्रमा हो तो व्यक्ति व्यवसाय में जितनी अच्छी रिस्क लेना चाहिए नहीं ले पाता है। तीसरे घर में चंद्रमा होने से व्यक्ति को भाई का जितना अच्छा सुख मिलना चाहिए नहीं मिल पाता है। ऐसे लोगों को फील्ड वर्क वाले काम से विशेष लाभ नहीं होता है। अब आ जाइए चौथा भाव, चौथा भाव परिवार का है, चौथा भाव माता का है। ये चौथे खाने में यदि चंद्रमा हो और उसके आजू बाजू कोई ग्रह न हो तो व्यक्ति को परिवार का जितना अच्छा सुख मिलना चाहिए नहीं मिल पाता है। व्यक्ति अपनी माता को भी जितना अच्छा खुश रखना चाहिए नहीं रख पाता है, या ऐसा भी कह सकते हैं कि उसे माता का जितना अच्छा सुख मिलना चाहिए नहीं मिल पाता है। अब आ जाइए मित्रों ये पांचवा खाना, ये पांचवा खाना जो मैंने लिखा है ये विद्या का है, प्रेम का है, सट्टा लॉटरी का है। यदि ये पांचवें घर में चंद्रमा हो और आजू बाजू कोई ग्रह न हो तो ऐसे लोगों को सट्टा लॉटरी खेलने से बिल्कुल अपने आप को बहुत दूर रखना चाहिए। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में चंद्रमा यहाँ पर हो, आजू बाजू कोई ग्रह न हो, तो व्यक्ति हमेशा जिंदगी भर सट्टा लॉटरी में हारते रहेगा लेकिन कभी कमा नहीं पाएगा। पांचवें घर में यदि चंद्रमा हो तो उसे लव अफेयर में भी सफलता नहीं मिल पाती है। इसी तरह मेरे दोस्तों ये छठा खाना है, छठे घर में, ये भाव में छठे खाने में यदि चंद्रमा हो तो व्यक्ति हमेशा कर्ज में डूबा रहता है। छठे खाने में चंद्रमा होने से व्यक्ति की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता भी कम रहती है, ऐसा व्यक्ति हमेशा शत्रुओं से प्रताड़ित होते रहता है, वो कभी अपने शत्रुओं पर भारी नहीं पड़ पाता है। अब आज सातवां खाना रूटीन लाइफ का है, पार्टनर का है, पत्नी का है। यदि सातवें खान भाव में चंद्रमा हो, आजू बाजू कोई ग्रह न हो तो व्यक्ति अपनी रूटीन लाइफ में कभी कभी बेवजह परेशान हो जाता है। ऐसे लोग यदि कहीं पार्टनरशिप में कोई काम करते हैं तो उनको सफलता नहीं मिल पाती है। सातवें घर में चंद्रमा होने से उसे उसकी पत्नी का सुख भी प्रभावित होता है। अब आज आठवां खाना, आठवें घर भाव में यदि चंद्रमा हो मेरे दोस्तों, तो व्यक्ति को शरीर संबंधी कुछ कुछ न कुछ कष्ट लगा रहता है। ये नवा भाव जी, नवा भाव जो है धर्म का है, भागी का है। उसके आजू बाजू यदि कोई ग्रह न हो तो व्यक्ति को पूजा पाठ में विशेष रुचि नहीं होती, यदि होती भी है तो व्यक्ति नियम से पूजा पाठ नहीं कर पाता है। चंद्रमा नवे भाव में होने से व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में 99% सफलता लेने के बाद भी 1% से चूक जाता है। अब आ जाइए मित्रों दसवां भाव, दसवें भाव व्यापार का है, यश का है, राजनीति का है, सत्ता का है, दसवें प्रशासन का है। दसवें भाव में यदि चंद्रमा हो और आजू बाजू यदि कोई ग्रह न हो तो व्यक्ति को किसी भी व्यापार में बहुत अच्छी सफलता नहीं मिल पाती है। ऐसे लोगों को चाहिए कि वो अपने नाम से व्यापार न करें, भाई के नाम से, पिता के नाम से करें, लेकिन अपने नाम से कोई व्यापार न करें। यदि अपने नाम से कोई व्यापार करते हैं तो न वो बहुत अच्छा कमा पाते हैं और न किसी व्यापार में सफल हो पाते हैं। यदि किसी महिला की कोई महिला हो, हाउसवाइफ हो, और उसकी दसवें घर में चंद्रमा हो तो वह परिवार के लिए चाहे जितना भी
अच्छा करें, लेकिन उसे यश नहीं मिल पाता है। अब आ जाइए मित्रों एकादश भाव। एकादश भाव में बड़ी भान का है, एकादश भाव आय का है। व्यक्ति को अपने व्यवसाय में जितना अच्छा आय लेनी चाहिए, जितना अच्छा उसे लाभ लेना चाहिए, नहीं ले पाता है। ऐसे लोगों की या तो बड़ी भान होती नहीं, और यदि बड़ी भान हो तो उसे बड़ी भान से लाभ नहीं मिल पाता है। अब आ जाइए मित्रों बारहवां भाव। बारहवां भाव व्यय का है। यदि बारहवें भाव में चंद्रमा हो तो व्यक्ति आय से अधिक व्यय करता है, और उसके चलते कभी उसे कर्ज की स्थिति से गुजरना पड़ता है। इन लोगों को, जिनकी कुंडली के बारे में घर में चंद्रमा रहता है, मधुर के योग बनाता है, उनको कभी कभी रात में नींद भी नहीं आती है। यदि उनको उनका चाचा हो तो चाचा पक्ष से भी जैसा लाभ मिलना चाहिए, सहयोग मिलना चाहिए, नहीं मिल पाता है। मेरे मित्रों यदि कहीं लग्नेश होकर चंद्रमा बारहवें भाव में बैठे तो व्यक्ति बहुत अधिक इमोशनल हो जाता है। मेरे दोस्तों इस तरह हमने बारह खानों में अलग अलग भावों में चंद्रमा के होने से, केमद्रु योग के होने से क्या क्या फल होता है, क्या होता है, ये हमने जाना। इसी विषय पर और दूसरे टॉपिक पर हम कल चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।